गम। आपको ऊंचा इसलिए दिख रहा हूं, कैमरा में हाय बोल दो, हाय हाय प्यारी, हेलो। ये हमारे कल रात का ठिकाना था। आपने अगर लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, आपको पूरा लास्ट मतलब कल वाला केस पता है। कल जो इतना खतरनाक सिचुएशन यहाँ पे हो गया था वो मैं अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप लास्ट वाला ब्लॉग देखो, जिन्होंने देख लिया तो वेल एंड गुड। भाई तो अभी का सीन ये है कि अभी हम लोग निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए, जो कि यहाँ से डिस्टेंस है 58 किलोमीटर। मैं जाने में लगने वाला है लगभग 2 से 2.5 घंटे। आई होप रोड अच्छा हो। अब वैसे भी क्या इस रोड का क्या ही अब अच्छा होने का बात करें, रोड खराबी हो तो कोई सुने, बस बारिश ना हो, जो कि होगा नहीं, मौसम देख के लग रहा है। वैसे ये हमारे होटल से क्या मस्त व्यू है ना, बहुत तगड़ा है। भाई तो अगर भाई साहब का मैं कंडीशन दिखाऊं, ओए होए 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 होए, ये कल पूरा कीचड़ 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 के कारण यहाँ भी और ये तो कांड हो चुका है। ये तो जब मैंने नेपाल एंटर करा था तब, और ये एक नकल गार्ड टूट चुका है, तो इस नकल गार्ड को मैं खोलूंगा क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा है ना, एक साइड का है एक साइड का नहीं है, तो अभी तो खोल नहीं पाया। वहाँ आगे जाकर होटल लेते, कल रात को इस साइड में गिरा था। ओ भाई साहब क्या ही बोलूं। तो फटाफट अभी पैनियर्स को अभी लोड करता हूँ। आई डोंट नो ये भारी इतना कैसे हो गया, क्या क्या सामान मैंने ले लिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ जब पूजी के साथ जब राइड में आऊंगा तो उसका मेकअप किट ही 2-3 किलो तो देरी कर ले हबे। अरे करो तातड़ी करो बाबा, तुम्हें की कोच बुझते बच्ची ना। सो बेसिकली ये घासा है और जहाँ पे हम लोग थे ये है फ्लोरिडा गेस्ट हाउस। सो बीच में ऐसे मतलब अगर आप आना चाहते हो, मतलब मान लो बीच में फंस गए आप, तो रह सकते हो आप। बहुत सही है, खाना वाना अच्छा था, खाना काफ़ी सही था, शांति था, स्टाफ बिहेवियर इसका तो कुछ कहना नहीं है, नेपाली लोग होते ही बहुत अच्छे हैं। सो बहुत सही था। कैमरा कैमरा हाँ कैमरा में हाय बोल दो, हाय हाय प्यारी, हेलो। नाम क्या, नाम नाम हाँ तुम्हारा नाम डेरा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम आसा डोरा। डोरा 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 दी एक्सप्लोरर, डोरा 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 ओई ओई, डोरा 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 दी एक्सप्लोरर ओई 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 ओई। बाय डोरा, बाय 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 टाटा टाटा। तो कल का जो हमारा राइड हुआ था ना 119.7 माने 120 किलोमीटर का हुआ था। 120 किलोमीटर में भैया जो हाल करा था हम लोगों का, ओहो लुक एट द व्यू मैन, क्या है ये। अभी जो ये स्लस है ना, कल इससे कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा था। गौ माता गिव मी सम साइड। पता है आप इन सब जगह पर गिरते कब हो, जब आप पहले ही पैर रखने का टेंडेंसी में रहते हो कि पैर रखना है मुझे, मैं गिर जाऊंगा बस, वो गिरते हो। इट्स ऑल मेंटल गेम, पैर रखने का सोचो मत, सिर्फ सोचो कि निकलूं कैसे। देयर इट इज, अब यहाँ वेट करना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब को टाइम लगने वाला, वो अभी वहीं पे है। ओके ये कमाल का है। अभी जो हमने जो फोटोज जो क्लिक कराया है ना, वो इंस्टाग्राम पे चेक करना, बाद में अभी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये लग रहा है जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड में, लिटरली कमाल। और ये बहुत अच्छा हुआ इन्होंने रोड बना दिया, आई होप ये रोड जाता हो पूरा वहां तक।
ये गांव के बीच से सड़क निकला हुआ कितना क्यूट लग रहा है ना, छोटा सा सड़क और ये व्यू। रोड ना बड़ा ऑन एंड ऑफ है, मतलब 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच का, मतलब पकड़ लो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच का बना हुआ है, फिर दो तीन किलोमीटर का स्ट्रेच का बना नहीं है, तो रोड ऐसा है मतलब कंप्लीट एकदम अभी तो पूरा नहीं हुआ, बट जो भी है सही है, एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा टाइम तो सेव हो जा रहा है। बाय द वे यही होटल है जो जब 2020 में आया था तो यहीं पर रहा था, तो चलते अब यहीं पर रहना है। अभी आपको टेम्परेचर पता है क्या? -4 डिग्री, -4 या -5 डिग्री है, बट पता नहीं क्या चल रहा है। बड़ा स्नोफॉल होने का भी चांसेस है। बाय द वे अभी हम लोग मुक्तिनाथ टेम्पल नहीं जाएंगे, मुक्तिनाथ टेम्पल जाएंगे कल, जो आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। अभी हम लोग जाने वाले, आपने टाइटल देख के समझ गए होंगे, उसका नाम है दुब्बा लेक, यहाँ से सामने की तरफ पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो जाएंगे, अभी हमने सारा लंच कंप्लीट कर लिया, अपना जो लगेज है मतलब जो रूम है रूम में डाल दिए, बस सिर्फ टॉप बॉक्स ले लेता हूँ क्योंकि टॉप बॉक्स में थोड़ा सामान रहेगा, इन भाई सब का सामान हो मेरा भी सामान। तो ये भाई हमें रास्ता दिखा रहे हैं क्योंकि आगे से एक रास्ता कट होता है, तो अच्छा है भाई होटल वाले दिखा दे रहे हैं, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और वो वाला रास्ता पकड़ के सीधा हम लोग चले जाएंगे दुम्बा लेक की तरफ। अरे भाई मैं रोसी भैया वाला भूत पकड़ लिया यार, बाप धीरे चला बाप, भाई तो कहाँ करने मांग रही है। ओके ये रोड है, वैसे मेरा मन था कि पानी से जाऊँ बट कोई नहीं, आधे टाइम पानी से आऊँगा। अरे भमरो ओया, चलो भाई डरने नहीं बाप, निकल पड़ आजा बाबा, ना क्या सोचने का। अच्छा हुआ ये भाई हमें दिखाने आ गए रास्ता, वरना हम लोग ढूंढते ही रह जाते। चलो चलो नॉर्मल आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, पैर मत रखना बस। प्यार से जो मिले गम लेना, पहुंच गया ये रास्ता, अच्छा ये जाके वो सीधा ऊपर वो एकदम सीधा। ओके भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जमील गम, बस कील ना हो इधर, टायर का कपाड़ा हो जाएगा अपना। ओ भाई भाई कील निकला हुआ है यार, बस यही तो बाकी रह गया था। हो मिडिल से आना, कील निकला हुआ है साइड में, मिडिल से आना। हाँ आ जाओ, थोड़ा पीछे करके देन थ्रोटल करो। हाँ अब थ्रोटल मारो, हाँ शाबाश, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत इजी आ रही, इजी है, उतना सोचा मत करो, बस कर लिया करो। This is called adventure, what? Woohoo! Par se jo milega, shabash shabash shabash, aapko uncha dikh raha hai, gir gaya main, maza aaya, eh gir gaya main, gir gaya main, gir gaya main, oh ओके ये नकल गाड़ भी गया भाई, एकदम सही हुआ, ये नकल गाड़ भी टूट गया भाई। अच्छा अरे हाँ अच्छा वाला फेंकने में बुरा लगता है, ये भी टूट गया। ओके ये टेढ़ा हो चुका है, इसको सीधा करना है। वेलकम टू मुस्तांग, शाबाश सूरज सिंह।
ये एडवेंचरस है। एक्चुअली गलती मेरा ही था, वो पत्थर के बीच में मैंने चढ़ा दिया, तो सामने से कोई गाड़ी ना हो। ओ भाई क्या नजारा है यार, मेला दिल ताही दूल पहाड़ों में थो दिया। अंदर से गए तो पूरा खो जाओगे वादियों में। बात तो सही है। ओके वी अम्मा क्या करता है, अच्छा राइडर हो के भी तू गिरता पड़ता रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और जो देख के लग रहा है ना उधर में बहुत तेज होगा। अभी हल्के हल्के, पता नहीं कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा, अभी हल्का हल्का एक दो फ्लेक्स गिर रहा है, ठीक है, अब आगे जाके और तेज होने वाला है। ओह हियर इट इज, आ गया। देखो लेक के पास यहाँ चल रहा है हिंदी क्राइम पेट्रोल। By the way, ये जो लेक है ना, इस लेक का जो हाइट है मतलब हमारे समंदर तल से 2900 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के ऊंचाई पे अभी हम लोग हैं। बेसिकली वो 3 किलोमीटर उससे ज़्यादा भी हम लोग हैं, और यहीं पे आपका टी शॉप भी है। और ये रहा वो लेक, दुम्बा लेक। इवन अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दिल के आकार का, मतलब लिटरली हार्ट शेप का, यहाँ से जाता है ऐसे घूम के। ओहो हो, ये कमाल का है दोस्त, बहुत सही है, प्रॉपर फोटोजेनिक लोकेशन। बाय द वे बहुत गंदे तरीके से स्नोफॉल हो रहा है ऊपर में, अगर वो नीचे में हुआ ना वहाँ यू कैन सी बहुत बारिश हो रहा है, तो वो पूरा बर्फ है, आप लिटरली वहाँ पे साफ देख सकते हो बर्फ वहाँ पे कितना गिर रहा है। तो अगर वो नीचे की तरफ हुआ तो भैया हालत बिगाड़ देना ये हमारा। बर्फ देखे? हाँ। नहीं देखे? ये अच्छा है। बट अगर लेक का बात करूं, अल्टीमेट खूबसूरत है ये लेक। सॉलिड है, इवन वहाँ पे बेंच भी लगाया गया, मतलब वो जो सन बात लेने के लिए वैसा टाइप का बेंच भी वहाँ पे लगाया गया। पानी बहुत ठंडा होने वाला है इतना तो श्योर है, इसमें हाथ डालने से पहले थोड़ा एक बार सोचना पड़ेगा। ओह अल्टीमेट ब्यूटीफुल, क्या लाइफ है ये। से आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने ड्रोन शॉट क्यों नहीं लिया, सीन ये है कि वो आपको दिख रहा है वो छोटा सा सिटी, वो जोमसोम है, मतलब यहाँ का मेन टाउन वो है। तो आपको जोमसोम का मेन कार्यालय से आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। परमिट लेके आने के बाद यहाँ पे आपको उसका जो टिकट है, जो टोकन लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जो है नेपाली करेंसी में 3000 रुपये। भाई 3000 रुपये ड्रोन फ्लाई करने का इसी से काम चला लो इन सब शॉट से। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ये बड़ा अजीब खाली खाली लग रहा है बिना नकल गार्ड का चलाने में, आदत पड़ गया नकल गार्ड का। के पैर नहीं रखना है, पूरा एकदम जमा हुआ पानी होगा, ये पैर रखे मतलब फंसे गंदा। ओके निकल गए, ओके इजी था ये। तो जब आपका दुम्बा लेक घूमना हो जाए तो आप जोमसोम वाले रास्ते पे आना, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज है वो देख सकते हो जो कि नेचुरली बना हुआ है, वो है ये स्नो लेपर्ड केव, ठीक एकदम ऊपर की तरफ है। सीन बड़ा गंदा है क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये टूट चुका है,
तो यहाँ से चढ़ना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये साइड से हम लोग जा सकते हैं, ये एकदम पूरा स्टीफ है, स्टीफ क्लाइंब है, ठीक है, साइड से जा सकते हैं बट उतरने में हालत बिगड़ जाना है। एक फाइनल कॉल लिया जाए, चले कि ना चले। चल दूर आ गया, किसने का चांसेस है, पर सीन क्या पता है, ये थोड़ा सा हिस्सा है ये उतर सकते हैं, और अभी ओके ये पूरा स्नो है। क्या बोलते हो, चले जाओ चले जाओ, ओके आ गया भाई आराम से देख क्या। सो अकॉर्डिंग टू दिस फेमस जो मॉन्क है अर्जन पलसांग, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन करा था, मतलब यहाँ पे एक मेडिटेशन चैम्बर है, यहाँ पे उन्होंने मतलब मेडिटेट करा था, जिसके कारण ये इतना पॉपुलर है। इसे लेपर्ड केव क्यों नाम दिया गया ये मुझे पता नहीं, किसी को पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय द वे यहाँ का जो सिचुएशन है पूरा स्नो से भरा हुआ, पूरा बर्फ है। ओ भाई धस रही है, ओके ये है मेडिटेशन सेंटर, मतलब मेडिटेशन चैम्बर, यहाँ पे मेडिटेट कर रहा था उन्होंने, और आई थिंक ये उनका फोटो है क्योंकि ये गौतम बुद्ध का नहीं, इतना तो मुझे पता है। सो ये वर्थ विजिटिंग था, छोटा ही था बट सबसे अच्छा बात है कि ये केव है, और हाँ ये नेचुरल नहीं है, आई थिंक उन्होंने ही मेडिटेशन करने के लिए इसको काटा होगा, नेचुरल तो नहीं है किसी। ओके वैसे यहाँ से व्यू भी अल्टीमेट है, तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आपको मेहनत लगेगा बट आपका फोटो बड़ा आग आने वाला है बॉस, बहुत तगड़ा आपका फोटो आने वाला है। सो यहाँ आके ट्राई जरूर करना। सिचुएशन पता, अभी टेम्परेचर करंट कितना है, माइनस बारह अब फील्स लाइक -16, क्या दिखा रहा, मेरे फोन में दिखा रहा था -17 तक जाने वाला है भाई इतना ज्यादा ठंड है मैं क्या बताऊं। हम लोग वहां थे, वहां से सीधा निकल के पहले वहां पे जुमसुम जाके थोड़ा एक थुप्पा खाए, एक चाय पी, उसको सीधा होटल में आया। अभी जस्ट मैं नहा के ही आ रहा हूँ, पानी गर्म था, सारा दिन नहाया नहीं था बेसिकली, कल भी नहीं नहाया था ठंड के कारण। भाई रहने दो यार, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये हमारे विंडो से ये नजारा है। ओ अभी खोलूं इसे, ओ भाई साहब ऑसम है ना, और ठंडा हवा का चल रही है, देख रहा हूं आप। So, अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ दर्शन के लिए, तो इस वीडियो में आपको वो दर्शन नहीं होने वाला, आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर देना, नहीं पता है नहीं। तो लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो दैट मींस आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा है मेरे बारे में, मेरे ब्लॉग के बारे में, सो इंतजार क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, मेरा 100K चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। ताही दूल पहाड़ों में थो दिया, अरे कैमरा क्या पकड़ो, उधर भी दिखा दो यार, थो दिया।